शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम करीम रज़ाक और परवरदिगार है। आज हम अबू धाबी से निकल रहे हैं दुबई के लिए, जाना तो है एक्सपो। तो रास्ते में ये कुछ एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, वो बार बार से ऐसे ही देखने हैं, ज़रा आप भी इंजॉय करें। पाकिस्तानी रोड है जी, यहाँ ऐसे रोड भी हैं। वैद साहब आज भी मेरे साथ है। सईदी साहब को रात तकरीबन 12 बजे खुदा हाफिज कहा है, वो हमें यहाँ विले तक छोड़ के गए हैं। केला लगा हुआ है लेकिन आगे पर्दा किया हुआ है उन्होंने। उम्मीद नजर आएगा अच्छी तरह। आम और कुछ मेरे ख्याल है किन्नू वगैरह क्या है। अभी के फॉर्म्स हैं जी, टोटल ड्रिप इरिगेशन, टोटल पानी नहीं जाया कर सकते ना, पानी इतना नहीं है। ये देखें जी, ये करेला लगा हुआ है अबू धाबी में टनल का, बड़े वाली करेली। ये भी बाढ़ बनाई हुई है जी, कांटों वाली तार है और साथ में खजूर के पत्ते। ये फ्रूट बास्केट दिया है जी इमरान हाशमी ने, और अजवा खजूर दिए, और साथ में कुछ अजवा खजूर से जो कि सईदी साहब ने इनायत किए हैं। इंशाल्लाह इसको खाएंगे दुबई में दोस्तों के साथ शेयर करके। ये बात है रात की, जब सईदी साहब हमें अपने घर से उबैद साहब के रिहायशी विले तक छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं आपके इलाके के जिन्होंने बहुत अच्छा कारोबार सेट किया हुआ है। तो इस तरह हम पहुँचे इमरान हाशमी साहब की दुकान पे, एक फ्रूटों वाली दुकान है उनकी जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बिज़नेस है, और दूसरी ये दुकान थी। यहाँ पर स्मोकिंग वगैरह की चीज़ें मौजूद हैं, शीशा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स वगैरह और उनकी एसेसरीज। बड़ी खुशी हुई अपने लोगों का ऐसा अच्छा कारोबार देख के। इमरान हाशमी साहब से तो बदकिस्मती से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन उन्होंने गिफ्ट के तौर पे ये फ्रूट बास्केट हमें दे दी जो अब हमारे साथ है। इस वक्त हम अबू धाबी में हैं और अब अनकरीब दुबई में दाखिल होने वाले हैं। यहाँ रोड पे चलते हुए ये निशानी बताते हैं कि ये जो लाइटें लगी हुई हैं जी, ये 6-6 लाइटें हैं एक पोल पे। ये अबू धाबी का इलाका है, जहाँ से लाइटें बदलेंगी वहाँ से रियासत बदल जाएगी। ये आखिरी लाइट है तो जी, यहाँ से ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है यहाँ से अबू धाबी शुरू होता है, इधर से ये लाइट चेंज हो गई। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये जो है ना यहाँ से दुबई शुरू हो गया, यहाँ से दुबई शुरू हो गया। हम टर्न ले लिया है एक्सपो की तरफ, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है। हम
मोबिलिटी पार्किंग में पहुंचेंगे। ये है जी एक्सपो की मोबिलिटी पार्किंग। इसलिए जल्दी आ गए हैं कि आसानी से हमें गाड़ी गुड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिल जाएगी, क्योंकि आज वीकेंड है, रश पड़ेगा। हम इस वक्त एक्सपो की पार्किंग मोबिलिटी पार्किंग में मौजूद हैं। ये सामने सारी पार्किंग है, यहाँ तक गाड़ी पे आना अलाउ है। यहाँ से आगे एक्सपो तक के लिए बसें हैं। इस वक्त मैं बस स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये बस स्टेशन है। ये बेंचें पड़ी हुई हैं बैठने के लिए, बसों के इंतज़ार के लिए। यहाँ से अब हम एक्सपो की स्पेशल बस पे सवार होंगे। मैं पहुँच गया हूँ एक्सपो के लिए चलने वाली बस में। ये बस है, ये खूबसूरत एसी। हम पहुँच गए हैं एक्सपो के पहले पवेलियन मोबिलिटी। ये मोबिलिटी गेट है। ये है एक्सपो 2020 का लोगो। हम जा रहे हैं एक्सपो की तरफ। मोबिलिटी पवेलियन, अभी से काफी रश पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि आज संडे है। हम जा रहे हैं एक्सपो के मोबिलिटी पवेलियन की तरफ। जो दिखाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।